सिंह, आप जुड़ रहे हैं सीधा मुरैना मध्य प्रदेश से और आज अंबा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने यहां पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रबंधन चुनाव समिति के अध्यक्ष और केंद्र में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तोमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्सपर्ट। बहुत धन्यवाद। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में, मुरैना क्षेत्र में? आप खुद यहाँ इस बार प्रत्याशी हैं डिमनी विधानसभा क्षेत्र में, मगर आज आप अंबा में प्रचार कर रहे हैं। बहुत चाह है कि आप अन्य इलाकों में भी आएं, तो बैलेंस कैसे कर रहे हैं दोनों, अपना प्रचार करना और बाकियों का प्रचार करना? स्वाभाविक रूप से अपना प्रचार भी कर रहा हूँ और बाकी सारे क्षेत्रों में भी प्रचार कर रहा हूँ। आज मुख्य रूप से मेरा अंबा में कार्यक्रम है और उसके बाद ग्वालियर में, ग्वालियर पूर्व में है कार्यक्रम, और कल मैं दिमनी क्षेत्र में था और इसके बाद आने वाले कल में मैं विजयपुर में हूँ, सबलगढ़ में हूँ और ग्वालियर ग्रामीण में हूँ, और फिर शाम को अपने क्षेत्र में 3-4 गांव आऊँगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ा कठिनाई तो होती है लेकिन संतुलन बैठा लेते हैं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए सभी का जीतना जरूरी है और जहाँ जहाँ मेरा जाने का उपयोग है वहाँ मुझे जाना ही चाहिए और मैं जा भी रहा हूँ। काफ़ी दिन अब बीत गए हैं प्रचार के, आप खुद घूम रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में? मैं समझता हूँ अंबा में तो अभी आपने माहौल देखा ही होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएँ हैं उनका लाभ भी आम आदमी तक पहुँचा है, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और विशेष रूप से इस अंचल में अगर देखेंगे, किसी से भी पूछेंगे, तो जो भी सड़क है, बिजली है, पानी है या अन्य कोई जन सुविधा के काम है, वो सब 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए। उससे पहले कांग्रेस ने कभी भी कुछ यहाँ किया नहीं और इसलिए सर्वाधिक फायदा भाजपा को मिल रहा है और अंबा विधानसभा भी हम कम्फर्टेबली जीतेंगे। कई विश्लेषक कहते हैं और कुछ ओपिनियन पोल आए थे और सर्वे, वह कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है इस बार मध्य प्रदेश में, क्या आप मानते हैं कि कांटे की टक्कर है? देखिए, चुनाव को तो कभी भी हल्के से लेने ही नहीं चाहिए, चुनाव एक चुनौती है और संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जनता का रुझान है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। कांग्रेस इस बात को लेके जनता के बीच जा रही है कि हमें बहुत कम महीने मिले, हम और भी करना चाह रहे थे मगर बहुत कम महीने मिले और विश्वासघात हुआ जनता के संग, जो जनता ने पिछली बार फैसला दिया था, उनके इस बयान पे आप क्या कहेंगे? ये देखिए, दरअसल क्या है, उनकी 18 महीने की सरकार रही, उसने जो वायदे किए थे तो वायदे 900 थे, 900 में 9 पर भी काम नहीं किया। लेकिन इससे पहले देखोगे कांग्रेस तो 2014 से 10 साल कांग्रेस में थी पहले, और 2003 से पहले मध्य प्रदेश में थी, तो कोई उपलब्धि हो तो उनको लोगों के सामने रखना चाहिए ना, कोई उपलब्धि है ही नहीं उनके शासनकाल की, तो इसलिए कांग्रेस तो असत्य की बैसाखी पर चल रही है। आप खुद कृषि मंत्री हैं तो ये सवाल लाजमी है कि पिछली बार हमने देखा था काफ़ी हद तक किसानों ने उनका समर्थन किया था कर्जा माफ़ी के वायदे की वजह से, इस बार किसान की मन की बात क्या है नरेंद्र जी? देखिए, दरअसल क्या है, किसान की कर्जा माफ़ी का उन्होंने प्रॉमिस किया था, यहाँ जितने बैठे हैं सब किसान ही हैं, कोई शहर का आदमी नहीं, किसी का भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ, और कर्जा माफ़ी ही अकेला विकल्प नहीं है, कोई भी सरकार कर्जा माफ़ी करती है तो 10,000, 20,000, 30,000 करोड़, नरेंद्र मोदी की सरकार है जो पीएम किसान के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया हर साल दे रही है। फसल बीमा के योजना के अंतर्गत अभी तक 1,30,000 करोड़ रुपया जहाँ किसानों की फसल नुकसान हुई वहाँ मुआवजा मिला है, और MSP पहले 5-10 रुपया बढ़ाकर घोषित कर दी जाती थी, सरकार के विवेक पर ही होता था, अब मोदी जी ने मैकेनिज्म बना दिया है कि जो किसान की लागत आती है, लागत प्लस 50% मुनाफा जोड़कर MSP घोषित की जाती है। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम 2700 रुपया कुंटल गेहूँ खरीदेंगे और 3100 रुपया कुंटल धान खरीदेंगे और 4000 का बोरा तेंदूपत्ता का खरीदेंगे।
एक और भी जो वायदा हुआ है लाडली बहनों की वजह के लिए और महिलाओं के लिए, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि एक्स फैक्टर हो सकता है इस बार। क्या आपको लगता है कि महिला वोटर जो हमेशा नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था जिन्होंने रखी आज तक, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक्स फैक्टर हो सकते हैं साबित इस बार? स्वाभाविक रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बड़ा काम किया है। आज केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, उसके माध्यम से लगभग 10 करोड़ महिलाएं 63 लाख स्व सहायता समूह के साथ जुड़ी हैं। उनको केंद्र सरकार फंडिंग करती है और जहां जहां समूह सक्षम हो जाते हैं वहां बैंक से लिंक भी कराते हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक का जो ऋण है वो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है और उनका एनपी रेट 2% से भी कम है। दूसरा, महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना भी हमने मध्य प्रदेश में बनाई थी, बेटियों के लिए लगभग 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, उनको 21 साल होने पर 1 लाख रुपया मिलता था, इसको भी इस बार संकल्प पत्र में बढ़ाकर हमने 2 लाख रुपया किया है। लाडली बहना योजना बहुत अच्छी योजना है, इसमें 1250 रुपया पर माह हमारी बहन को मिलता है और ये लाभ लगभग 1,31,00,000 महिलाओं तक पहुंच रहा है। तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है, गांव का जीवन बदल रहा है, घर की तस्वीर बदल रही है, इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आप खुद इच्छुक थे चुनाव लड़ने के लिए, क्या आपने केंद्र नेतृत्व को कहा या फिर उनकी स्ट्रैटेजी थी जो आपने मान ली? वैसे मैंने तो खैर कभी अपने बारे में सोचा नहीं, मुझे कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना, पार्टी का निर्णय था और पार्टी की रणनीति थी और पार्टी ने तय किया तो हम लोग चुनाव लड़ने आ गए। आपके भविष्य के प्लान क्या हैं, कुछ आपने उसके बारे में भी सोचा है? अगर आप विधानसभा में चुने जाते हैं आपका फ्यूचर रोल क्या हो सकता है? देखिए, दरअसल क्या, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है देश पहले बाद में पार्टी और तीसरे नंबर पर स्वयं, इसलिए पहले देश और पार्टी इसके बारे में ही सोचना चाहिए। देश सुरक्षित रहे, देश आगे बढ़े, भारत माता परम वैभव के शिखर पर बढ़े, इसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है ये हम तय करते हैं, इसके लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी और बड़ी पार्टी हो, सर्वव्यापी हो, सर्वस्पर्शी हो, इसके लिए काम करते हैं, अपने बारे में स्वयं के लिए विचार नहीं करते। क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री चेहरा है नहीं नरेंद्र सिंह तोमर जी, शिवराज सिंह चौहान को डिक्लेयर नहीं किया गया इस बार। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री की रेस में कोई नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं, लेकिन बाकी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और अभी शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि राहुल गांधी आजकल आप पे आरोप लगा रहे हैं, आपके परिवार पे व्यक्तित्व आरोप लगा रहे हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप, क्योंकि वो ये मुद्दा हम देख रहे हैं खरोदते ही जा रहे हैं हर रैली में? मैं समझता हूँ कि कुल मिला के इस प्रकार की फर्जी और मनगढ़ंत खबरें हैं, जनता सब जानती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नरेंद्र सिंह तोमर जी, और बहुत बहुत आभार कि आपने हमसे बातचीत। थैंक यू। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के संग उदय प्रताप सिंह, मोरेना, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.